2.2 कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करते हैं। गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जा सकता है। ये प्राकृतिक सूचक हैं। क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचकों को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके। इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन इत्यादि। आइए इन्हें समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है।